दोस्तों आज हम Asus टफ लैपटॉप को अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। ये जो वेरिएंट है दिस इज F17। हम इसके अंदर NVMe SSD लगाएंगे सीधी 2 TB की, 2 TB NVMe SSD लगाएंगे और रैम इसके अंदर हम लगाएंगे 32+32 मतलब 64 GB रैम कर देंगे। इस मशीन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो रैम आती है वो सिर्फ 8 GB की आती है, तो काफ़ी लोगों का डाउट है कि 64 शायद सपोर्ट ना करे, तो वो भी हमें देखना है कि 64 GB रैम इसमें चल जाती है या नहीं। वैसे दोस्तों ये जो भी सारे कंपोनेंट्स हैं लैपटॉप्स SSDs और रैम्स, इसके बेस्ट बाय अफिलिएट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। मेरा काम सपोर्ट करने के लिए उन अफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। आइए अभी ये जो लैपटॉप है इसको ओपन करते हैं और इन चीज़ों को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप के बैक साइड में हमें कई सारे स्क्रूज दिख रहे हैं, आइए खोलते हैं। एक सिंपल 4-way स्क्रू ड्राइवर लगेगा आपको, इन सभी को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों स्क्रूज सभी खुल चुके हैं और स्क्रूज जो हैं वो अलग अलग साइजेस के हैं। ज़्यादातर स्क्रू इस तरह के लंबे हैं लेकिन कुछ स्क्रू जो हैं वो छोटे निकले, तो इसको मैंने इस तरह से रखा है ताकि कोई भी मिक्सिंग ना हो में। और एक यहाँ पे जो स्क्रू है ये लिफ्टिंग स्क्रू है, ये बेसिकली चैसिस को उठा लेता है। तो अभी इसको हमें कम्प्लीटली ओपन करने के लिए इसके जो प्लास्टिक लॉक्स है उसको रिलीज करना है। उसके लिए मैं इस तरह का एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा और यहाँ से एक साइड से इसको प्राय करना स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों फाइनली इस तरह से ये इसका जो बैक पैनल है ये कम्प्लीटली निकल चुका है और अभी इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये आपको कम्प्लीट पैनल मिलता है, इसमें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा NVMe लगाने के लिए स्लॉट है, तो आप एक तो इसके अंदर लगा सकते हैं या फिर इसका जो एक्चुअल जो OS है, जो बूट ड्राइव है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। और रैम को चेंज करने के लिए यहाँ पे स्लॉट्स दिए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB के 2 स्टिक्स मैंने इसमें लगा रखे थे, तो आइए इसको हम चेंज कर लेते हैं। इन टैब को सिंपली इस तरह से साइड में कीजिए और ये जो रैम है ये निकल जाएगा। आइए हमारा नया जो 32 GB का रैम है उसको लगाते हैं। ये एक स्टिक लग गई, फिर दूसरे स्टिक के लिए अगेन ये जो लॉक है इसको इधर, इस वाले को इधर इस तरह से खींचिए, ये आ गया ऊपर। ओके, और ये जो है यहाँ पे की स्लॉट होता है, ये यू कैन सी दिस, इसको देख के लगाना है। एक 2 TB की NVMe SSD है यहाँ पे लग जाएगी। और एक बहुत अच्छी यहाँ पे बात है कि Asus ने इसका जो ये स्क्रू है, दिस इज़ अ मैजिकल स्क्रू, ये स्क्रू मिलता नहीं है जल्दी और पता नहीं इतनी महंगी ये SSD है इसके अंदर भी इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे Asus ने जो है स्क्रू हमें इंक्लूड करके दिया है, विच इज़ वेरी गुड। आइए इसको खोलते हैं और यहाँ पे SSD लगाते हैं। दोस्तों हमारा जो अपग्रेड है वो फाइनलाइज हो चुका है, अब सिंपली ये प्लास्टिक बॉडी को लेकर अपने प्लेस पे रख देना है और ये सारे जो भी प्लास्टिक लॉक्स हैं इसको इस तरह से प्रेस करके लगा देना है, फिर बाद में स्क्रूज लगाने हैं। दोस्तों 64 GB रैम बड़े आसानी से सपोर्ट हो गया, आप देखिए यहाँ पे ये विंडोज़ में भी आ गया और ये स्पेकी नाम का सॉफ्टवेयर है, तो इस स्पेकी ने भी यहाँ पे ये बता दिया 64 GB लिखा हुआ। देखो ये सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इतना भर के रैम डाल के दिया फिर भी देखिए दोस्तों ये विंडोज 11 जो है इसने खुद के लिए 6 GB रैम अपने आप खा लिया, एक भी सॉफ्टवेयर खुला नहीं है, बस ये स्पेकी और ये टास्क मैनेजर खुला हुआ है। 6 GB का रैम खुद के लिए खा रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे विंडोज 11 का जो ब्लोट है उस तरह का। 2 TB का NVMe SSD भी काफी आसानी से सपोर्ट हो गया है, कई अलग अलग सॉफ्टवेयर से मैंने बेंचमार्क किए हैं और सभी सॉफ्टवेयर के जो स्पीड हैं वो 3-3.5 GB के ऊपर ही मिले हैं।
ये बात अच्छी है कि ऐसा स्टफ का जो सेकंड स्लॉट है वो भी फुल स्पीड है, ऐसा नहीं कि सेकंड स्लॉट की स्पीड कम कर दी हो। तो दोनों भी स्लॉट काफ़ी अच्छे हैं, जो कि मुझे पसंद आया। मतलब आप 2-2 TB के, 2 SSD लगा के 4 TB तक भी इस ड्राइव को जो है लेके जा सकते हैं। अब बस एक ही काम बचता है कि इस अजीब से विंडोज 11 को निकाल के कोई अच्छे क्वालिटी का लिनक्स वगैरह इंस्टॉल किया जाए, ताकि इतना ये जो हैवी हार्डवेयर मैंने इस लैपटॉप के अंदर लगाया है, इसका कुछ फ़ायदा भी मुझे मिले। दोस्तों, मैंने इस चैनल के ऊपर लैपटॉप से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस के थंबनेल्स, या जैसे यूट्यूब कहता है कार्ड्स, आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे। डायरेक्टली इन कार्ड्स के ऊपर आप क्लिक करके उन वीडियोस के ऊपर जंप कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।